1 मई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव के अंतर्गत सर्वोदय ब्राह्मण समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, साथ ही आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। 1 मई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव के अवसर पर समिति पदाधिकारियों द्वारा भगवान परशुराम की चित्रपट पर सर्वप्रथम माल्यार्पण कर मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा द्वारा G9 की टीम को जानकारी देते हुए यह बताया गया। परशुराम जयंती महोत्सव जो 3 तारीख को है, उसकी श्रृंखला में 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया है। इस संस्था द्वारा सदैव से 7 दिवसीय, 9 दिवसीय, अब की बार 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो आज पहले दिन 1 मई से स्टार्ट हुआ है और 3 मई तक चलेगा। इसमें हम लोगों ने आज प्रथम दिन फल बांटने का विचार किया, मरीजों को जिला चिकित्सालय मथुरा में फल वितरण किया है। सभी संस्थान के सदस्यों ने आज इसमें सहयोग किया है तथा मरीजों को फल बांटे हैं। जहां आज मरीजों को 200 किलो फल वितरित किए गए, तो वहीं संस्था के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर इंजीनियर जयप्रकाश योगेश, उपाध्याय दिनेश मैथिल, कन्हैयालाल शर्मा, भगवती गौतम, मुकुटमणि शर्मा, दिवाकर आचार्य, रोहित सर्राफ आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान द्वारा सभी मरीजों को इमरजेंसी मेडिकल और सर्जिकल वार्ड में फल वितरण किया गया एवं उनके स्वास्थ्य की कामनाएं की गई। सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान की तरफ से आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज फल वितरण जो है, सभी मरीजों को फल वितरण किया गया है और भगवान से कामना की गई है कि ये मरीज अपने स्वस्थ होकर अपने घर जाएं और सभी स्वस्थ रहें। और ये पुनीत कार्य जो ब्राह्मण समाज जो है कर रहा है, ब्राह्मण समाज ने जो किया है, वो प्रशंसा योग्य है, भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। यहाँ जिला अस्पताल में इन्होंने फल वितरण किया है।